आज चैप्टर 10 सर्किल, इसका मतलब होता है व्रत, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो स्टूडेंट, ये गणित विषय का एक पाठ्यक्रम है जो कम किए गए पाठ्यक्रम में से, ये जो अध्याय किए गए हैं इनको आपको नहीं लिखना है और ना पढ़ना है, ठीक। जैसे कि अध्याय 1 में 1.4 संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, ये नहीं लिखना है और ना पढ़ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक। ठीक, इसी प्रकार अध्याय 4 में जो दिया है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आगे, अध्याय 4, अध्याय 5 में दिया है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, आपको अध्याय 5 नहीं जो है नहीं लिखना है, ठीक। अध्याय 7 में कि नहीं, 8, 10, 10 में आपको एक वृत्त के चाप द्वारा आंतरित कोण ये नहीं करना है, चक्रीय चतुर्भुज नहीं। अध्याय 11 त्रिभुजों की कुछ रचनाएं, चतुर्भुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने में हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग, आंकड़ों का लेखीय निरूपण, ठीक है, ये सारे हो गए। देखिए अब ये देखते हैं कि व्रत क्या है। व्रत किसी समतल में नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति को व्रत कहते हैं। नियत बिंदु को व्रत का केंद्र कहते हैं तथा व्रत पर किसी बिंदु को व्रत के केंद्र से दूरी को व्रत की त्रिज्या कहते हैं। एक ही व्रत की त्रिज्याएं समान होती हैं। ठीक, किसी कोई एक सरफेस ले ले, स्पेस ले, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स को नोट करें, ठीक, इसका पूरा एक समूह बना ले, जब ये समूह बनेगा तो क्या करेगा, ये व्रत के जैसा दिखेगा, ठीक, और एक आकृति बन जाएगी। अब आता है व्यास, वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से गुजरता है। जब एक हमने सरफेस बनाया तो एक वृत्त का केंद्र बिंदु निश्चित करते हैं, ठीक, ये वृत्त का केंद्र है, इसको हमने निश्चित किया, ठीक। अब वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से गुजरता है जिसके दोनों सिरे पर वृत्त पर स्थित हो, वृत्त का व्यास कहलाता है, ठीक, तो इसे कहते हैं वृत्त का व्यास। AB को व्यास कहते हैं। नेक्स्ट, वृत्त त्रिज्या का दुगना, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। देखिए ये शब्द आया त्रिज्या, त्रिज्या होती है जो केंद्र बिंदु से जिसकी दूरी एक बिंदु तक निश्चित होती है, ये कहलाती है त्रिज्या। जैसे बिंदु O, बिंदु A, ये कहलाएगी वृत्त की त्रिज्या। OA त्रिज्या, ठीक। नेक्स्ट, परिधि, वृत्त का परिमाप है वृत्त के एक चक्कर की लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। परिधि का अर्थ है कि एक पॉइंट से चलेंगे और फिर पूरा एक चक्कर लगाने को वृत्त की परिधि कहा जाता है। इसका फॉर्मूला है परिधि बराबर 2π × त्रिज्या, पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब आता है नेक्स्ट, चाप, दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को एक चाप कहते हैं, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल ये वृत्त का एक बिंदु A, ये वृत्त का दूसरा बिंदु B, ठीक। अब A से B एक इस तरीके का है, ये कहलाता है वृत्त का चाप। P और Q जो दो बराबर भागों में बांटे हैं, बड़ा भाग जिसे दीर्घ चाप कहते हैं, और P और Q, ठीक। देखिए इसे ऐसे समझेंगे, एक वृत्त बनाते हैं, एक बिंदु ले लेते हैं आप P, ठीक है, तो ये एक P से लेके जो Q तक का जो हमने एक
लघुचाप जो छोटा जो है चाप पी से लेके क्यू तक ये इस ओर का चाप कहलाएगा लघु और ये बड़ा जा वाला चाप ये कहलाएगा दीर्घ। नेक्स्ट है जीवा, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के मानी सरल रेखा को वृत्त की जीवा कहते हैं। ठीक, तो वृत्त के केंद्र से इसी को देख लेते हैं, वृत्त का केंद्र ए और बी जो दो बिंदु हैं इनको मिलाने वाली रेखा को वृत्त की जीवा कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है वृत्त खंड, कोई जीवा जब किसी वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है तो वह वृत्त खंड कहलाता है। चित्र में ए भी वृत्त की जीवा है। ठीक, देखिए ए और बी ये कहलाएगी वृत्त की जीवा। ठीक, अब दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ का मतलब है जो दीर्घ चाप वाला होता है उसे दीर्घ कहते हैं। तो ए से बी जो है सी पॉइंट से लेते हैं यहां, तो ए से बी जो है ये क्या है दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है, दूसरा ए जी बी, ए पॉइंट यहां डी ले लिया तो ये लघु कहलाएगा, है ना छोटा ए डी बी, इसे कहते हैं लघु वृत्त खंड। ठीक, नेक्स्ट है केंद्र रेखा, दो या दो से अधिक वृत्तों के केंद्र से होकर जाने वाली सरल रेखा को केंद्र कहते हैं। जैसे हमने दो तीन वृत्त बनाए, एक एक वृत्त दूसरा वृत्त इसमें बनाएंगे, देखो देखो हो गया। अब जो केंद्र रेखा है वो एक ही सरल रेखा में होगा। ठीक, वृत्त का केंद्र जो है वो इस प्रकार है, ये तीनों जो है वो एक सरल रेखा में होंगे। ठीक, प्लस वृत्त जो अलग अलग वृत्त है वो अलग अलग उसके केंद्र होंगे, जैसे इस वृत्त का O1, इस वृत्त का केंद्र O2 और इस नीले वाले वृत्त का केंद्र O3। ठीक, इसे केंद्र रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड का मतलब होता है किसी भी वृत्त को उसके जो है त्रिज्या को भाग नाप के और एक खंड बनाते हैं उसे त्रिज्या। चित्र में दीर्घ त्रिज्या खंड में ए और बी, देखिए ए और बी ये दो केंद्र बिंदु ओ है, ओ से ए क्या है ये त्रिज्या हुई, दूसरी ओ से बी भी दूसरी त्रिज्या। ठीक, तो ये जो ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाएगा आपका दीर्घ त्रिज्या खंड। तो ए क्यू ए ओ बी ये कहलाएगा A O B P, ये कहलाएगा दीर्घ त्रिज्या खंड। नेक्स्ट कहलाएगा एक बिंदु यहां P लिया है और ये यहां एक बिंदु Q लिया है, तो A O Q B, O Q B ये कहलाएगा लघु त्रिज्या खंड। ठीक है, नेक्स्ट छेदक रेखा, वह रेखा जिसके केवल दो भिन्न बिंदु वृत्त स्थित छेदक रेखा कहलाती है। चित्र में AB वृत्त की एक छेदक रेखा है जो वृत्त को क्या कर रही है एक कट कर रही है। ठीक है, आप ये चित्र देखें, इसमें ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु B हो गया, इसे कहते हैं क्योंकि ये बिंदु दोनों वृत्त किसी एक भाग को क्या कर रही टच कर रही है। ठीक, नेक्स्ट संकेंद्रीय व्रत, वे व्रत जो एक ही बिंदु को केंद्र मानकर तथा भिन्न भिन्न त्रिज्या लेकर खींचे जाते हैं संकेंद्रीय व्रत कहलाते हैं। चित्र में तीन संकेंद्रीय व्रत दिखाए गए हैं। ठीक, ये देखिए बच्चों, एक व्रत बनाते हैं, दूसरा व्रत और ये तीसरा।
लोगों का संकेंद्रित व्रत, दूसरा उभयनिष्ठ जीवा। यदि दो व्रत एक दूसरे को काटे तो प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिलाने वाले रेखांड को उभयनिष्ठ जीवा कहते हैं। ठीक, तो दो व्रत देखें, फिर से देखिए एक व्रत बनाया कि फिर उसी के अकॉर्डिंग एक और व्रत बनाया। ठीक, अब उभयनिष्ठ जीवा का मतलब ये है कि दोनों व्रतों में से कोई भी एक पॉइंट पे जीवा होगी, ये कहलाएगी उसकी उभयनिष्ठ जीवा। पी व्रत का केंद्र ओ, सेकंड व्रत का केंद्र ओ। व्रत के केंद्र पर अंतरित कोण, चाप द्वारा व्रत के केंद्र पर अंतरित कोण, माना केंद्र ओ के व्रत का कोई चाप ए बी है। ठीक है, कोई एक चाप लगाया व्रत पे, चाप ए बी द्वारा व्रत के केंद्र पर अंतरित कोण कोण ए ओ बी होगा। ठीक, कोण को इस प्रकार डिनोट करते हैं ए ओ बी। ठीक, ओ जो है व्रत का क्या है, क्या है केंद्र। चाप का अंश माप, यदि चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण अंशों में दिया हो अथवा अंशों में ज्ञात किया जाए तो वह चाप का अंश माप कहलाता है। तो चाप AB का अंश माप बराबर होगा कोण AOB का मान अंशों में होगा। नेक्स्ट आता है सर्वांग संवृत, दो या दो से अधिक वृत्त सर्वांग संवृत कहलाते हैं जिनकी त्रिज्याओं के माप समान हो। दूसरे शब्दों में दो व्रत परस्पर सर्वांगसम है, इनमें से किसी एक के ऊपर दूसरा व्रत रखने पर एक दूसरे के पूर्णतः ढक लेते हैं, अर्थात फल एक व्रत जैसे दिखाई देते हैं। OA is equal to OC, चित्र में देख सकते हैं आप OA जो है इसकी त्रिज्या और ये OC दोनों क्या है समान, ये कहलाएगा सर्वांगसम। व्रतों के प्रमुख गुणधर्म, एक व्रत को स्थल के स्थित है तीन भागों में विभाजित करता है, ये है व्रत के अंदर का भाग जिसे अभ्यंतर इंटीरियर कहते हैं, सेकंड व्रत की परिधि, थर्ड व्रत के बाहर का भाग जिसे बहिर्वाह एक्सटीरियर कहते हैं। दो व्रत सर्वांगसम होते हैं यदि केवल यदि उनकी त्रिज्याएं समान हैं। पांच, किसी व्रत की समान जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। छह, किसी व्रत की जीवाएं केंद्र पर बराबर को अंतरित करते हुए जीवाएं समान होती है। सात, यदि किसी व्रत के दो चाप सर्वांगसम हो तो उनकी संगत जीवाएं भी बराबर होती। आठ, यदि किसी व्रत की दो जीवाएं बराबर हो तो संगत चाप भी सर्वांगसम होते हैं। नौ, किसी व्रत के केंद्र जीवा पर डाला गया लंब जीवा को संधिवाजित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, किसी व्रत के जीवा के मध्य बिंदु और केंद्र से जाने वाले रेखा जीवा पर लंब होती है। ग्यारह, तीन असंरेखित बिंदुओं से होकर एक और केवल एक व्रत ही खींचा जा सकता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, ये आईएमपी है। किसी व्रत के सर्वांगसम व्रत की समान लंबाई की जीवा व्रत के केंद्र संदुरस्त होती है। किसी व्रत के सर्वांगसम व्रतों की केंद्र संदुरस्त जीवा आपस में बराबर होती है। किसी चाप द्वारा व्रत के केंद्र पर आंतरिक कोण उसी चाप द्वारा व्रत की शेष परिधि किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगुना होता है। अर्ध व्रत में स्थित कोण समकोण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। सोलह, यदि किसी व्रत का चाप अपने अर्ध खंड में स्थित किसी बिंदु पर संपूर्ण अंतरित करे तो वह यह एकांतर खंड अर्धव्रत होता है। सत्रह, संपूर्ण त्रिभुज के कर्ण को व्यास मानकर खींचा गया व्रत कर्ण के समुख शीर्ष से ऊपर जाता है। अठारह, एक ही व्रत खंड के कोण बराबर होते हैं। उन्नीस, यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड अपने के दो बिंदु पर समान कोण अंतरित करे तो वे चारों बिंदु एक ही व्रत पर स्थित होते हैं। बीस, चक्र चतुर्भुज के समूह कोणों का यह विश्वस्तांश या दो संपूर्ण होता है। दो संपूर्ण का अर्थ होता है एक संपूर्ण यानी 90, दूसरा भी 90, दोनों ऐड करेंगे तो 180 अंश होता है। इंपॉर्टेंट है ये भी लाइन। नेक्स्ट, यदि किसी चतुर्भुज के समूह कोणों का एक युग्म संपूरक है तो वह चतुर्भुज चक्रीय होता है। लिखिए सत्य असत्य, अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। केंद्र को वृत्त की किसी बिंदु से मिलाया जाना रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, ये है सत्य। एक ही एक व्रत में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं, असत्य। यदि किसी व्रत को तीन बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है, असत्य।
वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी हो, वृत्त का व्यास होता है सत्य। त्रिज्या का जीवा एवं संगम चाप के बीच का क्षेत्र होता है सत्य। वृत्त एक समतल आकृति है असत्य क्योंकि चाप तथा दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र केंद्र को चाप के अंत बिंदु से मिलाने वाला त्रिज्याखंड कहलाता है सत्य। क्योंकि वृत्त एक बिंदु का तो होता है जो एक तल में, इस प्रकार भूमि की एक तल में स्थिर बिंदु से उसकी दूरी नियत है, इसलिए वृत्त एक तल में स्थिर।